लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मुंबई ब्रिज हादसा, सेफ्टी ऑडिट में मिली थी क्लीन चिट। 8 महीने में ही ढहा मुंबई में मंगलवार को ढहे रेलवे ब्रिज को पिछले साल नवंबर में ही सेफ्टी ऑडिट के बाद क्लीन चिट मिली थी। हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित बताते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। इस पुल का पिछले साल 12 नवंबर को ऑडिट किया गया था और उस वक्त इसमें कोई भी खामी नहीं पाई गई थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों से मरम्मत और यातायात बहाल करने का काम तेज करने को कहा है। साथ ही गोयल ने बताया कि रेल सुरक्षा आयुक्त इस मामले में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मुआवजे के तौर पर हर एक को 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही उनका इलाज का खर्च भी रेलवे ही उठाएगा। इसके अलावा मंत्री ने ट्वीट किया, अंधेरी स्टेशन के निकट पटरी पर रोड ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से रेल यातायात पर असर पड़ा है। अधिकारियों को मरम्मत का काम तेज करने और जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाने को कहा गया है। बता दें, मंगलवार को उपनगर अंधेरी में भारी बारिश के बीच फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर रेल की पटरियों पर गिर गया, जिसके कारण पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई और लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों पर भी असर पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 1971 में बने इस पुल के गिरने के बाद पश्चिम रेलवे ने ट्रेन सेवा रोक दी है। मुंबई में सुबह सुबह कार्यालय जाने वालों के लिए लोकल ट्रेन लाइफलाइन की तरह है। ऐसे में पुल का एक हिस्सा टूटने और लोकल ट्रेनों की आवाजाही अवरुद्ध होने से दफ्तर जाने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई। लोकल ट्रेनें नहीं चलने के कारण मुंबई के लोकप्रिय डब्बा वालों ने भी लोगों तक टिफिन पहुंचाने में असमर्थता जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को सुचारू यातायात सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और बृहन मुंबई नगर निगम BMC को यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी बस सेवा में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया। पुल का एक हिस्सा गिरने के कारण लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कुछ का समय बदला गया है। निजी विमान कंपनी विस्तारा, गो एयर और जेट एयरवेज ने कहा है कि घटना के कारण यातायात जाम में फंसने वाले यात्रियों के लिए इंतजाम करेंगे।